नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद फरुखाबाद बीते लगभग एक सप्ताह पूर्व ट्रक से मक्का लादकर निकले हेल्पर का शव अचानक उसके घर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया था जाम। तकरीबन एक घंटे तक कानपुर फरुखाबाद मार्ग जाम रहने के बाद खुल सका था। फरुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार। कौन सा गांव है? खुदागंज। जो जो एक्सपायर हुए हैं ये आपके गांव है? हैं रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं। तो क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि इसमें कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। मेरा इंसान गया है। अच्छा, मृत्यु कैसे हुई कुछ पता चला? कोई पता नहीं, मालिक मट्टी लेके आया। मट्टी लेके? अच्छा, पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुँचा, क्या कह रहा है ये लोग? पुलिस प्रशासन कुछ नहीं अभी पूछा रहा। पुलिस प्रशासन अब आया है इस समय, अभी आया। रोड खाली करिए आप और कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी, नहीं तो मुकदमा कार कर जाएगा। इसका निर्णय होगा तभी, इसके बाद काम होगा तभी होगा। अच्छा, नाम था जो जो एक्सपायर हुए, कहाँ रहते थे? अच्छा, इनकी कैसे मृत्यु हुई कुछ पता चला अभी? मुझको भाई कुछ पता नहीं, हम आप बताओ। अच्छा, क्या करते, क्या थे ये? ये ट्रक ड्राइवर थे। ट्रक ड्राइवर, कब गए थे यहाँ से? 12-13 दिन हो गए। 12-13 पहले ये आए थे, अभी दोबारा अभी चले गए। इनकी मृत्यु कैसे हुई अभी हमको पता? कितने दिन हो गए कुछ पता? कुछ कितने दिन हो गए? अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? अभी जाम लगाया, आप न्याय मिलना चाहिए, हो गया न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, जो लोग किराया भी मांग रहे थे, आप आरोप क्या लोग क्या कह रहे हैं? आप आरोप क्या ये कह रहे हैं कि इसमें किराया कुछ नहीं देंगे, मतलब कोई